हेलो दोस्तों, तो आज हमारी सेकंड क्लास है। टॉपिक मिश्र समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन। और आज क्लास का मोटिवेशन क्या है कि जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो कि मैं जब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। तो आपको भी जब ही तक कोशिश करनी है जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, तो पहला क्वेश्चन है आपका, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि 1/2 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की जरूरत है। कि हमें अपना जो काम है सही समय पर पूरा करना है और उसे सही समय पर पूरा करने के लिए हमें कितने एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लगाने पड़ेंगे, ये आपको आंसर देना है। और बेटे इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका 480, दूसरा ऑप्शन आपका 80 और तीसरा ऑप्शन है आपका 200 और लास्ट ऑप्शन है आपका 100। तो बताइए क्या बनने वाला है इसका आंसर। तो बेटे कंपाउंड प्रोपोर्शन में मैंने एक ही रूल बताया है, वो क्या होता है, M1D1H1/W1, जो बराबर होता है M2D2H2/W2। तो ध्यान से देखो कि हमें टोटल कितना काम करना है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क हमें बनानी है, ये हमारा टोटल वर्क है। और सड़क को कितने दिन में बनाना है, 100 दिन में इसे कंप्लीट करना है। और 100 दिन में इसको कंप्लीट करने के लिए हमने 280 मजदूरों को काम पे लगाया है। तो हमने बेटे अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो इसमें बोला है कि लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला, तो इसका अर्थ क्या है कि काम को करते करते 80 दिन हो चुके हैं और 80 दिन में कितना काम हुआ है, 3.5 किलोमीटर। तो बेटे M1 काम करने वाले मजदूर कितने हैं, 280। 280 मजदूरों ने काम किया 80 दिन और कितना काम कर दिया, 3.5। और 3.5 को क्या लिखेंगे, 7/2। तो बेटे इस लाइन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि 280 मजदूर 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को 80 दिन में पूरा करते हैं। इसका अर्थ हो गया बराबर कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, नंबर ऑफ मैन हमें निकालने हैं और सड़क को सही समय पे पूरा करना है। और सही समय हमने कितना लिया था, 100 दिन का लिया था और 100 दिन में से हमारे 80 दिन जा चुके हैं, तो दिन की संख्या हमारी 20 बाकी है। डिवाइड में क्या आता है, वर्क आता है। अब काम कितना बाकी रह गया, 1.5 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसमें से 3.5 कंप्लीट हो चुकी है, तो वर्क आएगा हमारा 3/2। 5.5 में से 3.5 को माइनस करेंगे, 1.5 बचेगा, 1.5 हमारा 1/2 होता है, जिसको फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना बनेगा फिर हमारा, 3/2। तो 2 से 2 डिवाइड, क्रॉस गुना कर लेंगे, 280 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई में 3 आएगा, जो बराबर होगा 7 × M × 20। तो डिवाइड करेंगे 7 से 40, 20 से 2 कितना आएगा, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48, तो 480। तो बेटे काम को पूरा करने के लिए हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 480 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। लेकिन इसने पूछा है हमें कितने एक्स्ट्रा मजदूर लगाने पड़ेंगे, तो 480 में से हमने कितने लगा रखे थे, 280 लगा रखे, तो 280 को माइनस कर लेंगे, तो हमें जो एक्स्ट्रा की जरूरत है वो कितने हैं, 200।
हमें एक्स्ट्रा पर्सन कितने लगाने पड़ेंगे बेटे, 200 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। यहां पर हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर सी बात है। इसको दूसरे लैंग्वेज में एक आसान तरीके से मैं बोलता हूं फिर से, कि क्वेश्चन क्या था कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में पूरा करना है, और 100 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति लगाए थे हमने, 280। लेकिन 280 व्यक्ति ने 80 दिन काम किया, और 80 दिन में कितना काम किया है, 3.5 किलोमीटर। तो सिंपल लैंग्वेज ये हो जाएगी कि 280 व्यक्ति 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को 80 दिन में पूरा करते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ मैन 280 है, नंबर ऑफ डेज आपका 80 है, और सड़क की लंबाई कितनी है, 3.5। कितने मजदूर, 1.5 किलोमीटर जो लंबी सड़क बाकी रह जाएगी उसे 20 दिन में पूरा कर देंगे। तो इसमें व्यक्तियों की संख्या क्या आएगी, 480 आएगी। 480 में से 280 हमारे पास पहले से हैं, तो एक्स्ट्रा हमें कितने चाहिए, 200 चाहिए। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का लिया है। एक आदमी किसी काम को 150 दिनों में करने का ठेका लेते हैं, वह 200 पुरुषों को रोजगार देता है, इट मींस काम पे लगाता है, और वह पाता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया जाता है। 50 दिन में कितना काम हुआ है, 1/4। तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि पूरा काम समय पे समाप्त हो जाए, कि हमें कितने एक्स्ट्रा मजदूर और लगाने पड़ेंगे जिससे हमारा जो काम है वह 150 दिनों में ही पूरा हो जाए। इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 75 है, दूसरा ऑप्शन इसका 100, तीसरा ऑप्शन है इसका 125, और लास्ट ऑप्शन है इसका 50। तो बताइए क्या बनेगा इसका आंसर। सेम पिछले क्वेश्चन पे है, तो बेटे ध्यान से देखो, कितने व्यक्तियों ने काम किया है, काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 200। अब 200 व्यक्तियों ने काम कितने दिन किया, 50 दिन। बात तो हुई थी 150 दिनों की, लेकिन इन्होंने केवल अभी काम किया है 50 दिन, और 50 दिन में कितना काम कर दिया, 1/4, 1/4। तो M और D ऊपर रहेगा, वर्क की वैल्यू डिवाइड में जाएगी। कितने मजदूर चाहिए, नंबर ऑफ मैन आपको निकालने हैं, काम को सही समय पे पूरा करना है, और सही समय कितने दिनों का था, 150 दिन का। 150 में से 50 दिन जा चुके हैं, तो दिन बाकी कितने हैं, 100। और जो 100 दिन बाकी है उसमें कितना काम करना होगा, 3/4, 3/4, क्योंकि 1/4 काम हो चुका है, तो माइनस कर देंगे 4 में से 1 को, तो कितना बचेगा, 3/4। डिवाइड करेंगे 4 से, 4 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूनी 100, 100 तिया 300। तो काम को पूरा करने के लिए कुल कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 300 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर से इसने क्या पूछा है, अतिरिक्त व्यक्ति, एक्स्ट्रा पर्सन इसने पूछा है। तो 300 में से हमारे पास कितने थे, पहले से 200 काम पे लगे हुए थे, तो उस 200 को माइनस कर देंगे, तो एक्स्ट्रा हमें कितने चाहिए, 100 चाहिए। तो हमें अपने काम को सही समय पर पूरा करने के लिए 100 व्यक्तियों को और क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। रूल सेम है, M1D1H1/W1। तो वर्क की वैल्यू को हमेशा कहां पे लिखोगे, डिवाइड में लिखोगे। कोई डाउट, तो आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए कि एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया,
एक सड़क को 200 दिन में पूरा करना है तथा 140 आदमी काम पर लगाए। कितने व्यक्ति हो गए बेटे? 140। 60 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा हुआ। तो इसका अर्थ ये हो जाता है 140 आदमियों ने 60 दिन काम किया और 60 दिन में कितना काम हुआ? 1/4 हुआ। तो वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए कि पूर्ण कार्य समय पर पूरा हो जाए, कि पूरा कार्य सही समय पर आपको पूरा करना होगा, तो इसके लिए आपको कितने एक्स्ट्रा पर्सन की जरूरत है? ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन 40, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 20 और लास्ट ऑप्शन आपका 35। बेटे नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 140। काम कितने दिन किया है? 60। और 60 दिन में कितना काम हो गया? 1/4। 140 व्यक्ति 60 दिन में 1/4 काम करते हैं। तो नंबर ऑफ मैन आपको फाइंड करना है और काम को सही समय पे पूरा करना है। और सही समय कितने दिन का था? 200 दिन। तो 200 में से 60 दिन जा चुके हैं, तो दिन बाकी 140 और काम कितना बाकी है? 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 140 से तो क्रॉस गुना करेंगे तो 60 * 180, तो हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? 180। तो 180 हमारे टोटल व्यक्ति होंगे जिसमें काम करने वाले कितने थे पहले से? 140 माइनस कर लेंगे 40, ये हमारा एक्स्ट्रा पर्सन होंगे। हमें 40 व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तो ऑप्शन हमारा ये क्या होगा? सही होगा। तो तीनों क्वेश्चन एक जैसे कराए हैं और आपको इसी टाइप से आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा कुछ आदमी काम पर लगाए। 24 दिन के बाद ज्ञात हुआ कि कुल काम का 2/7 भाग पूरा हो पाया है। उसने 2 आदमी हटा दिए तथा काम समय पर पूरा हो गया। शुरू में कितने आदमी काम पर लगाए गए? तो क्या बनेगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन 22, 30, 25 या 35, बताइए क्या बनेगा इसका आंसर? तो काम कितने दिनों में करना है? 90 दिनों में। आदमी कितने लगाए? कुछ आदमी। आदमियों की संख्या के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। 24 दिन के बाद ज्ञात हुआ कि कुल काम का 2/7 भाग पूरा हो गया। तो नंबर ऑफ मैन एम में डिनोट कर लेंगे कि हमने एम आदमियों को काम पे लगाया है और कितने दिन तक काम किया? 24 दिन। और 24 दिन में कितना काम हो गया? 2/7 कि कुछ आदमी काम पर लगाए और उन आदमियों ने 24 दिन में 2/7 भाग पूरा कर दिया। इसके बाद क्या बोला है कि उसने 2 आदमी हटा दिए। अगर 2 आदमी हटाएंगे तो आदमियों की संख्या कम हो जाएगी, तो एम में माइनस के 2 आएगा। और कार्य को सही समय पे पूरा करना है तो दिन कितने बाकी होंगे हमारे? 66, क्योंकि काम की बात हुई थी 90 दिन की, 90 में से 24 दिन हमने काम कर लिया, तो दिन बाकी है 66 और काम कितना बाकी है? 5/7, क्योंकि 2/7 है, टोटल 7 है, 7 में से 2 हो चुका है, तो कितना बाकी? 5। तो
सात से सात कैंसिल, दो से बारह कैंसिल, तो गुना करेंगे बारह पंजे साठ एम बराबर छियासठ एम माइनस के 132, 132 को इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस 6 एम आएगा और 6 से डिवाइड, 6 दुनी 12 है, 6 दुनी 12 है, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? 22 व्यक्ति थे, तो ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगर पूछता है बाद में कितने व्यक्ति थे? 20 आएगा, क्योंकि बाद में इसने दो आदमी हटा दिए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत वाले आदमी पूछे हैं या लास्ट के पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें आदमियों की संख्या के बारे में नहीं पता था, तो जिसे हमने एम से माना है, एम आदमी करते हैं 24 दिन, तो डी की वैल्यू 24 होगी और 24 दिन में कितना काम हुआ था? 2/7, ये आपका वर्क हो गया। दो आदमी कम किए तो एम माइनस दो हो जाएगा। सही समय पे पूरा करना है तो सही समय था हमारा 90 दिन का और 90 में से 24 दिन हमने काम कर लिया, तो हमारे शेष दिन बाकी है 66 और काम कितना बाकी है? 5/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया 12 पे, क्रॉस गुना करेंगे 12 पंजे 60 एम, इधर हो जाएगा 66 एम माइनस के 132, 132 को इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा और 60 एम इधर जाके माइनस हो जाएगा, जो 6 एम बचेगा और 6 से भाग करेंगे एम का मान कितना आएगा? 22, तो हमारा ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सही है। बेटे अगला क्वेश्चन, अगला और देखो। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए, कि कोई काम है जो 19 दिन में पूरा करना है और 19 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति लगाए हैं? 15। जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, एच की वैल्यू है 10, दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य न हो सका, कि 10 दिन के बाद कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना होने के बाद 3 दिन तक कार्य हमारा बंद रहता है, तथा 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य न रहे, तो उनमें से 4 व्यक्ति बेटे काम को फिर छोड़ देते हैं, काम नहीं कर पाएंगे, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य पूरा हो जाए, ये आपको बताना होगा। ऑप्शन इसके आपको दे रखे हैं, तो पहला ऑप्शन 15 है, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन 9 दिन और लास्ट ऑप्शन है आपका 20 दिन, तो बताइए क्या बनेगा इसका आंसर। अब तो क्वेश्चन कह रहा है बेटे 15 व्यक्ति किसी काम को 19 दिन में पूरा कर देंगे, तो 15 व्यक्तियों ने कितने दिन काम कर लिया? 10 दिन कर लिया, तो 19 दिन में से 10 दिन का काम तो पूरा हो चुका है, तो अब मुझे बताओ 15 व्यक्तियों को कितने दिन और काम करना होगा? तो बेटे 15 व्यक्तियों को अभी 9 दिन काम और करना है, और जिनकी प्रतिदिन एवरेज कितनी है? 8 घंटे काम करते हैं, 15 व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है और 15 व्यक्तियों को कोई काम 19 दिन में पूरा करना है और उन्होंने 10 दिन हमारा काम कर लिया, तो काम कितने दिन और करना बाकी है? 9 दिन, और प्रतिदिन कितने घंटे करते हैं? 8 दिन। इससे आगे क्या बोला है कि जैसे दुर्घटना हो जाती है तो उन 15 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति काम नहीं करते, तो इसका अर्थ क्या हो गया? काम करने वाले व्यक्ति कितने हो गए हमारे? अब 11 हो गए, 15 में से 4 ने मना कर दिया, लेकिन इसने पूछा है कितने व्यक्ति और लगाए, तो नंबर ऑफ मैन और प्लस होगा इसमें, कि वो 4 तो काम छोड़ देते हैं लेकिन उनकी जगह और व्यक्ति काम पे लगाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता वो कितने व्यक्ति काम पर लगाए हैं, और काम प्रतिदिन करना है 9 घंटे,
हो गया, एच की वैल्यू नो होगी, और सही समय पे पूरा करना है। चले सही समय, और सही समय कितने दिन का था? 19। 19 में से 10 दिन काम कर लिया, 3 दिन काम बंद रहा है, तो 13 दिन जा चुके हैं, तो दिन बाकी रह गए हमारे 6। ये आप लिखोगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से डिवाइड 4, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, बराबर 11 प्लस के एम, और 11 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 9 आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा सी क्या होगा? सही रहेगा। तो हमें अतिरिक्त 9 व्यक्ति और लेने पड़ेंगे। क्लियर है? दोबारा रिपीट करना कहीं से, तो एक बार और देख लो, फिर से रिपीट कर देता हूं। दोबारा से देखो बेटे, क्या कह रहा था क्वेश्चन? एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, तो बात हुई है 19 दिन की, और 19 दिन में कितने व्यक्ति काम को पूरा करेंगे? 15 व्यक्ति। तो ये डिसाइड हो चुका है कि 15 व्यक्ति उसे 19 दिन में पूरा कर देंगे। 10 दिन काम करने के बाद कोई दुर्घटना हो जाती है काम पर, तो उस दुर्घटना में 3 दिन काम बंद रहता है। दूसरा, उन 15 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति चोटिल हो जाते हैं, तो व्यक्ति कितने बचेंगे? 11 बचेंगे, और दिन की संख्या भी अब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जो काम 9 दिन बाकी था, 9 दिन में से 3 दिन काम बंद रह गया। अगर 3 दिन काम बंद रह गया तो अब दिन ऊपर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि काम को सही समय पे पूरा कर दो, चाहे व्यक्तियों की संख्या और बढ़ा लो, इसने ये बोला है। तो आप फिर से बताओ कि काम करने वाले कितने व्यक्ति हैं? 15। तो 15 व्यक्तियों को काम कितने दिन और करना है? अभी 9 दिन करना है, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? 8। तो 19 दिन में पूरा होता है, 10 दिन काम कर लिया, तो शेष दिन 9। इससे आगे बैठे, 15 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे, तो ये मान सकते हैं 15 में से 4 व्यक्ति हो गए चोटिल, तो व्यक्ति कितने बचे? 11। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए? तो बेटे व्यक्तियों की संख्या m मान ली, जो 11 में ऐड हो जाएंगे। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? 9 घंटे। अब आपको लिखना है कि कितने दिन बाकी हैं, तो आपके दिन बाकी है बेटे 6। कैसे बाकी हैं? 19 दिन की बात हुई थी, 10 दिन काम को हो गए, और 3 दिन काम बंद रहा है, तो 10 और 3 13 दिन हो गए, 19 में से 13 माइनस 6 दिन बाकी हैं। 9 से 9 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से 4, तो 5 चौक 20 बराबर 11 प्लस में m, और 11 को माइनस कर लेंगे, कितना आएगा बेटे m की वैल्यू? 9। तो हमें 9 व्यक्ति और एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन क्या रहेगा? सही होगा। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए, 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। कि 25 दिन तक तो बेटे 30 व्यक्तियों ने काम किया है, इसने बोला है कि हमने काम पर 30 व्यक्ति लगाए हैं, 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगा देते हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि 25 दिन तक 30 व्यक्तियों ने काम किया, 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 5 व्यक्ति और आ जाएंगे, तो व्यक्तियों की संख्या बेटे 35 हो जाएगी, और कार्य सही समय से 1 दिन पहले पूरा हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि काम पूरा होना था 38 दिन में, 1 दिन पहले पूरा हो गया, तो काम 37 दिन में पूरा हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाए तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होगा? यदि हमने जो 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए हैं उनको नहीं लगाते
तो हमारा काम कितने दिन लेट पूरा होता, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बेटे आपके, पहला ऑप्शन एक, दूसरा एक सही एक बटे चार, एक सही एक बटे दो, और लास्ट ऑप्शन एक सही तीन बटे चार। तो बेटे इसको ध्यान से समझना है, 30 व्यक्तियों ने काम किया 25 दिन, हमारे जो काम की बात है कि काम पूरा करना था 38 दिन में। और हमें जो टोटल टाइम बताना है वो 30 व्यक्तियों का ही बताना है। तो एक बात तो बेटे ये कंफर्म है, 30 व्यक्तियों ने 25 दिन काम किया, तो 25 दिन तो ये हो गए। लेकिन इसके बाद बोला है कि 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या बेटे 35 हो जाएगी, व्यक्तियों की संख्या 35 हो जाएगी। अब आपको बताना है 35 व्यक्ति ने कितने दिन काम किया, तो 35 व्यक्तियों ने काम किया बेटे 12 दिन। अब कैसे किया ये समझो, इसने बोला है कि एक दिन पहले पूरा हो जाता है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो काम 38 दिन का था वह 37 दिन में पूरा हो गया। पहली बात तो ये क्लियर करो कि काम पूरा होना था 38 दिन में, एक दिन पहले पूरा हो गया, तो इसका अर्थ ये है कि काम 37 दिन में पूरा हो गया। अब इन 37 दिन में से 25 दिन 30 व्यक्तियों ने काम किया, इस 37 में से 25 दिन 30 व्यक्तियों का हो गया, तो कितने बचे 12 दिन। तो बेटे 12 दिन 35 व्यक्ति काम कर, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि हम इन व्यक्तियों को नहीं लगाते तो व्यक्तियों की संख्या बेटे 30 रहती, तो काम कितने दिन में हमारा पूरा होता, ये आपको बताना है। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 सत्ते 35, 7 दूनी कितना हो गया बेटे 14, तो काम पूरा होता 14 दिन में। 14 दिन कौन से हैं, जो 12 दिन लगे थे ना वहां पे 14 दिन लगेंगे, तो टोटल टाइम आएगा 25 दिन तो पहले काम किया 30 ने, 14 दिन और लगेंगे, तो इसका अर्थ ये हो गया कि इन्हें 39 दिन काम करना है। इन्हें टोटल टाइम कितना दिन का लगेगा 39 दिन, और ठेके की बात हुई थी 38 दिन की, तो कितना लेट हो रहा है काम 1 दिन। यदि बेटे 30 व्यक्ति पूरे काम को करते हैं तो काम 1 दिन लेट हो जाता, हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगेन फिर से थोड़ा सा लॉजिक से समझना है कि पूरा काम करने का ठेका है 38 दिन, 25 दिन काम किया 30 व्यक्तियों ने, 26वें दिन 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, इसका अर्थ ये हो गया अब व्यक्तियों की संख्या 35 हो जाती है, और बोला है कि काम जो है सही समय से 1 दिन पहले पूरा कर दिया हमने, इसका अर्थ हो गया कि जो ठेका हमने 38 दिन का लिया था अब उसे 37 दिन ही लगे, और 37 में से 25 दिन तो पहले जा चुके हैं, तो इसका अर्थ हो गया 35 व्यक्तियों ने 12 दिन काम किया केवल। अब ये इसी बात को कह रहा है कि यदि मैं 5 व्यक्ति नहीं लगाता तो हमारे व्यक्ति कितने रहते 30 ही रहते, इन 30 को कितना समय लगेगा, डे आपको निकालने हैं, इनको डिवाइड करके कैलकुलेट किया तो 14 आया, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 25 दिन पहले 14 बाद के 39 दिन लगेगा, और काम का ठेका था 38 दिन का, तो 38 को माइनस कर दिया तो 1 दिन लेट पूरा होगा, और हमारा ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना बेटा। आप इसको ऐसे करोगे, दूसरा मेथड और देख लो, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा बस। सबसे पहले मुझे ये बताओ 30 व्यक्तियों ने कितना काम किया, कितने दिन काम किया, तो 25 दिन किया, तो 25 दिन में कितना हो जाएगा 25 दिया 75, तो 30 व्यक्तियों ने 25 दिन किया तो ये हो जाएगा हमारा 750। अब इससे आगे 5 व्यक्ति और आ जाते हैं,
तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी बेटे? 35 होगी। 35 व्यक्ति ने कितने दिन काम किया? 12 दिन, क्योंकि तो टोटल 37 दिन की बात हो रही है, तो एक दिन पहले होता है, तो 25 ही हो गए, 12 ही हो गए 37। तो गुना करो 12 पंजे 60, 12 36 और 6 42, तो टोटल काम 1170 हो गया। कि 37 दिन में कितना काम हो जाता है? 1170 हो जाता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ये पूरा काम हो गया टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क 30 व्यक्तियों को करना है और 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा ये टाइम बताना है। तो वर्क को डिवाइड कर देंगे बेटे व्यक्तियों की संख्या से, डिवाइड करके कितना आएगा? 39 दिन आएगा, ठीक है ना। अब ठेका कितने दिन की बात थी? 38 की, तो 38 को माइनस कर लेंगे बेटे, एक दिन लेट होगा, तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही रहेगा। आगे देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक बिल्डर ने 40 दिनों में एक हाउस बनाने का फैसला लिया, एक घर बनाना है, और उसने शुरुआत में 100 लोगों को नियुक्त किया, 100 व्यक्ति काम पर लगा दिए, 35 दिनों के बाद 100 और काम पर लगा दिए, ठीक है ना, निर्माण को सही समय पे पूरा कर दिया। इसका अर्थ क्या है कि 40 दिन की बात हुई थी, 40 दिन में पूरा हो गया। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए होते तो निर्धारित समय से कितने दिन देरी से काम पूरा होता? यदि हमने जो 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए हैं उन्हें यदि हम नहीं लगाएं तो काम कितने दिन लेट पूरा होगा, ये आपको बताना है। तो बड़े ऑप्शन जो इसके दे रखे हैं, तो पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा 5 और लास्ट ऑप्शन है आपका 15। बेटे दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, ठीक है ना, तो अलग वैल्यू कर लेना यहाँ पे। तो ध्यान से समझना बेटे, 100 लोगों को नियुक्त किया, अब आप पहले मुझे ये बताओ 100 व्यक्तियों ने कितने दिन काम कर लिया? बेटे 100 व्यक्तियों ने 35 दिन काम कर लिया, क्योंकि तो नए जो व्यक्ति आने वाले हैं वो 35 दिन बाद आएंगे, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 35 दिन काम हो चुका है। 35 दिन बाद कितने आ जाते हैं? 100 आ जाते हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 200। क्योंकि हमें जो टाइम बताना है केवल 100 व्यक्तियों को बताना है, तो 100 व्यक्तियों का 35 तो एक ही हो गया, शुरू के 35 दिन किया है, बस कंडीशन चेंज क्या हो रही है, जो काम अब 200 व्यक्तियों ने किया था पिछले वाला काम, वो आपको बस 100 पे कराना है। अब 200 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। कैसे किया ये समझो, काम की बात हुई 40 दिन की, 40 में से 35 दिन जा चुके हैं, और इन्होंने भी यही बोला है कि काम सही समय पे पूरा होता है, तो काम पूरा तो हो रहा है 40 दिन में, 40 में से 35 दिन पहले जा चुके हैं 100 व्यक्तियों ने काम में ले लिए, तो दिन बाकी रह गए केवल 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 200 व्यक्तियों की जगह इन्हें 100 ही रखो, तो 100 व्यक्तियों को कितना टाइम लगेगा? तो बेटे 20 कैंसिल, 5 × 2 = 10। तो जिस काम को 200 व्यक्ति 5 दिन में कर रहे थे, जिस काम को 200 व्यक्ति 5 दिन में कर रहे थे, अब उसी काम को 100 व्यक्ति 10 दिन में कर रहे हैं, ये निकल के आया है कि जो 200 व्यक्तियों का काम था यदि आप 100 पे कराओगे तो इन्हें 5 की जगह कितने दिन लगेंगे? 10। तो टोटल टाइम 35 प्लस में 10 कितना हो गया? 45। और काम की बात हुई थी 40 दिन की, तो कितना लेट जा रहा है? 5 दिन लेट। तो बेटे ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये ना एक आसान सा तरीका है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, हमें केवल उस काम का टाइम बताना है जिस काम को
एक्स्ट्रा व्यक्ति कर रहे थे। तो आपको पहले यही देखना है कि टोटल व्यक्ति कितने हो जाते हैं। 100 व्यक्ति हमारे पास पहले से थे, 100 व्यक्ति और बुला लिए तो व्यक्ति हो गए 200। अब 200 व्यक्तियों ने काम किया 5 दिन। 5 दिन कैसे किया ये यहां से समझो कि टोटल बात हुई 40 दिन की। काम भी सही समय पर पूरा हो रहा है तो इसका अर्थ ये हो गया कि काम 40 दिन में पूरा हो रहा है। और 40 में से 35 दिन 100 व्यक्तियों ने लिए हैं। 40 में से 35 दिन 100 ने लिए हैं तो हमारे अब 5 ही दिन तो बाकी हैं, तो यहां पर 5 दिन आएगा बराबर। अब क्वेश्चन कह रहा है जो काम 200 ने किया है अब अपने 100 पे ही कराओ और कितना दिन लगेगा। तो हमने निकाला दिन की संख्या आई 10, तो टोटल टाइम कितना लगा 35 दिन पहले 10 बाद के 45 हो गया। और उस 45 में से ठेके की बात हुई थी 40 दिन की, तो 40 को माइनस किया है तो हमारा काम 5 दिन लेट जा रहा है। तो यहां पर बेटे सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो बेटे क्लासेस को हम यहीं पर रोकेंगे। तो इस वीडियो में केवल आपने ठेकेदार वाले ही क्वेश्चन करे हैं, तो आगे भी क्लास रेगुलर रहेंगी। धन्यवाद।